हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे टमाटर का सार। आप इसको टमाटो का चार भी कह सकते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। गर्मा गर्म आप इसको परोस सकते हैं चावल के साथ। यमी रेसिपी है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं। अच्छे लाल पके हुए टमाटर इस्तेमाल करें तो इससे ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। इसको हमने क्लीन कर लेना है और इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। 2 से 3 पानी से इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लें। इसके बाद मैंने इसके अंदर इस तरह से स्लिट्स कर लिए हैं। आप चाहें तो स्लिट्स अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इससे जो स्किन है ये अच्छे से पील हो जाती है। वैसे भी हमने इसको कुक ही करना है, तो इसको प्रेशर कुकर में ऐड कर लेते हैं। कम से कम 1 से 1.5 गिलास आपने पानी ऐड कर लेना है। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे, आधा छोटा चम्मच, और फिर इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 विसल लगा लेना है। 5 से 7 विसल के बाद जब ये ठंडा हो गया तो मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया है। ये बहुत गर्म है इस वक्त, इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था। तो इसको छान लेते हैं, पानी अलग कर लेंगे और टमाटर हमने अलग कर लेना है क्योंकि इसका स्किन हमने पील कर लेना है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर इसका स्किन आप पील करके निकाल सकते हैं। स्किन निकालने के बाद फिर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक ग्राइंडिंग जार के अंदर। पानी ऐड नहीं करना है आपने, बिना पानी ऐड किए ही हम इसको ग्राइंड करेंगे। टमाटर में बहुत पानी होता है तो ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। आधा छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो कश्मीरी मिर्ची पाउडर ऐड कर सकते हैं। और ये था आधा छोटा चम्मच बेसन, इसको हमने स्मूथ ग्राइंड कर लेना है। बेसन से थिकनिंग अच्छी मिलती है, आप चाहें तो गेहूँ का आटा ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम छान लेंगे, उसी पानी के अंदर मिला लें इसको जिसमें हमने इसको बॉयल किया था। छानने से इसके अंदर जो भी सीड्स हैं या जो बीन्स वगैरह हैं वो निकल जाएंगे, ये मुंह में आने से अच्छा नहीं लगता फिर। तो बस ये तैयार हो गया है। अब हमने इसके ऊपर एक तड़का लगा लेना है। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड कर लिया है 1 टेबलस्पून के आसपास, और इसमें हम थोड़ा सा राई ऐड कर लेंगे, आधा छोटा चम्मच। राई बहुत अच्छे से फूट जाए इसके अंदर तो फिर 3 से 4 कुचली हुई कलियाँ लहसुन की ऐड कर लें। हल्का सा फ्राई कर लें, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और फिर थोड़ा सा करी पत्ता ऐड किया है। गैस का फ्लेम लो कर लें और फिर ये हमने जो टमाटर का सार बनाया है ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा इमली, जितना आप खट्टा खाते हैं उस हिसाब से ऐड कर लें। बहुत ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया था, टमाटर का एक खट्टा मीठा वैसे ही फ्लेवर होता है। और नमक थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया था क्योंकि मुझे कम लग रहा था। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसमें एक उबाला आ जाए तो मीडियम फ्लेम पर कम से कम 10 से 12 मिनट इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लें। बस ये तैयार है टमाटर का सार। इसको हमने गार्निश कर लिया थोड़े से हरे धनिए के साथ। आप इसको चावल के साथ रिलिश कर सकते हैं, ये ऐसे ही पीने में बहुत टेस्टी लगता है। तो विंटर सीजन में गर्मा गर्म टमाटर का सार बनाइए और रिलिश करिएगा। और हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।